बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो पहला वाला ये कहता है कि दो ऐसी ट्रायंगल बनाएं जिसके दो साइडों की लंबाइयां जो हैं वो 4.2 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर है और इसके जो सामने वाला एंगल है वो 60 डिग्रीज का। अब इसको मैं नीचे नहीं ले सकता बेस पे क्योंकि मुझे इसके सामने का एंगल 60 का बनाना है, तो मैं इसको बेस पे लूँगा। तो मैं इसको 4.8 सेंटीमीटर की बना लेता हूँ, इसको मैं ए, इसको बी कह लेता हूँ। अब छोटी साइड या इधर आएगी या इधर आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी तरफ ले लें। तो लेट से किस तरफ आती है तो ये मैं 4.2 सेंटीमीटर लगा के इसको मैं सी कह लेता हूँ और इसको इसे मिला के ये 60 का एंगल बना देते हैं। तो ये छोटी साइड के सामने 60 का एंगल आ गया, ठीक है। ये देखें, अब शुरू करते हैं बनाना इसे। सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन लगानी है तो ये मैंने लगा ली ए बी 4.8 सेंटीमीटर। ए पे अब 60 का एंगल बनाना है हम 60 का एंगल बनाने लगे हैं। सबसे आसान एंगल ये बनाना, ये अब आपका 60 का एंगल बन गया। ठीक है, 60 डिग्रीज ए ओ कह लेता हूँ। अब बी सी 4.2 सेंटीमीटर है तो प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर खोला और देखें ये मैं आर्क लगा रहा हूँ, टच कर गई, मुझे लग रहा है टच कर गई। तो आपकी ये डायग्राम बन गई जिसमें आपका ये सी पॉइंट आ गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा जगह जिस पे टच कर रही है, अगर आप गौर से देखना चाहें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बराबर सेंटर में करके एक पॉइंट ले लें। एम्बिगुअस डायग्राम्स का यही मसला होता है, शायद यही सिखाना चाह रहे हैं। तो ये आपका सी पॉइंट आ गया, ये 4.2 सेंटीमीटर। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये पहला वाला हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में वो ये कहते हैं कि एक लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, एक है 3 सेंटीमीटर। लंबे वाली जो है ना उसके सामने 30 डिग्रीज का एंगल है, जिसके सामने एंगल है फिर मैं उसको नीचे नहीं ले सकता, मुझे ये लेना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर की मैं नीचे ले लेता हूँ, ए बी कह लेते हैं 3 सेंटीमीटर। लंबी अज्यूम करते हैं इस साइड पे 5.5, तो ये सी पॉइंट आ गया, ये आपका 30 का एंगल आ गया। तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई जाए। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं 3 सेंटीमीटर। ए पे मुझे 30 डिग्रीज का एंगल बनाना है एक्सक्यूज मी, ये देखें 60 का, और बाद में ये 30 का। तो ये मैंने एक रे बना दी ए ओ। अब बी सी मुझे 5.5 सेंटीमीटर बनाना है, एक्सक्यूज मी
5.5 सेंटीमीटर रख के मैं इस साइड पे तो टच नहीं करती, इस साइड पे काफ़ी आगे जाके यहाँ टच करती है। काश कि मैं इसको ज़रा लंबा और बना लेता, प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी ज़रा ज़्यादा। तो बहरहाल ये पॉइंट ये मिला दिया इसको इससे, ये आपका सी पॉइंट आ गया और ये 5.5 सेंटीमीटर और ये आपका 30 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन टू का पार्ट टू भी हमने कर लिया, अब इसका पार्ट नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू तीसरा पार्ट, उसमें है कि एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 6.5 सेंटीमीटर है। ये मेरा ख्याल है मैंने पिछला वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 सेंटीमीटर के सामने 60 का एंगल है। मैं उसको दोबारा करता हूँ, मैं समझा कि वो लंबे वाले के सामने कैसा। चले मैं थर्ड पार्ट करके तो सेकंड वाले को दोबारा करता हूँ। इस वीडियो को मेरे लिए ज़रा एडिट करना मुश्किल है, ज़रा मुख्तलिफ तरीके से बना रहा हूँ, तो बहरहाल मैं सेकेंड पार्ट को भी दोबारा, बल्कि पहले उसी को करते हैं, हमें वही करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पार्ट, 5.5 सेंटीमीटर था और 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर के सामने 30 का एंगल था, यानी कि आप फिर इसको नीचे लेंगे 5.5 को। ए बी 5.5 डिग्रीज, डेट से कि छोटी इस साइड पे है तो ये 30 का एंगल, और ये सी ये 3 सेंटीमीटर, ये 30 का एंगल। तो 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लगाई, फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ए पे मैंने 30 डिग्रीज का एंगल बनाना। तो ये 30 डिग्रीज, तो अब मुझे 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है जो कि मुझे सी पॉइंट देगी। यहाँ रख के लग रहा है कि दो जगह काटेगी, ये देखिए, और कुछ ऐसा इत्तफाक हुआ कि ये एग्जैक्टली उसी जगह पे आई है जहाँ पे वो एंगल के लिए हमने लगाई हुई थी आर्क्स। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप दोबारा से इस डायग्राम को बना लें ताकि ये पॉइंट एक ना हो, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके बना लें, मेरी ये प्रेफरेंस होगी। बहरहाल टाइम पर डिपेंड करता है आपके पास कितना सोटा। तो ये आपका इसको सी कह लें, इसको सी डैश कह लें, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। माजरा चाहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ा, मैंने सही तरह क्वेश्चन पढ़ा नहीं। तो ये पार्ट हो गया, अब हम तीसरा वाला पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट उसमें है कि एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक 6.5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर वाली लेंथ के सामने 45 का एंगल है। तो इसको नीचे लेते हैं, ए बी 6.5 सेंटीमीटर, लेट्स से कि 5 सेंटीमीटर वाली इधर है, इसके सामने ये 45 डिग्रीज का एंगल और ये सी साइड। 6.5 सेंटीमीटर का हमने ये लगाया ऐसे करके, लगा ए बी 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए पे आपने 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है, ये
एंगल की तब तक आपको खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये आपका 90 का, अब आपने 90 और 0 वाले पॉइंट्स पे रख के तो उनकी तसनीफ करनी है। तो ये बाद में यहाँ पे रख के ये, तो ये 45 डिग्रीज वाला एंगल बन गया। अब ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो सी के लिए बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मैंने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोला, यहाँ पे रखा। अब देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये भी दो जगह से काट रही। तो इसको सी कह लेते हैं, इसको सी डैश कह लेते हैं। ये सी और ये सी डैश, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। पार्ट नंबर 3 भी आपका हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है कि एक लेंथ 6.3 सेंटीमीटर है, एक लेंथ 8.5 सेंटीमीटर है और इसके सामने 30 डिग्रीज का एंगल है। तो 8.5 ही नीचे ले लें, ए बी कह लें। लेट से कि 6.3 इस साइड पे है, ये सी पॉइंट आ गया, तो ये आपका एंगल 30 डिग्रीज का आएगा। तो पहले 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, ए बी 8.5 सेंटीमीटर। अब ए पे मैंने 30 डिग्रीज का एंगल बनाना है, ये आपका 30 डिग्रीज का एंगल बन गया। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, लगता है मुझे जरूरत होगी। अब मुझे बी सी 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। ये इधर भी टच कर रही है और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था करेगी, लेकिन उधर भी टच कर रही है। ये लाइन में थोड़ी सी और लंबी कर लेनी चाहिए थी। तो इससे नतीजा निकला कि ये लाइन कोशिश किया करें कि काफ़ी लंबी लगा लिया करें जब तक पेपर मतलब इजाज़त देता। तो ये आपका, अब इसके ऊपर ये कट करी, मैं माजरा चाहता हूँ इसकी, मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि चलें इससे लगा देता हूँ ताकि ज़रा वो एटलीस्ट नज़र तो आए इधर और इधर। तो ये भी आपका 6.3 सेंटीमीटर है, इसको सी कह लें, इस पॉइंट को सी डैश कह लें, 6.3 सेंटीमीटर। आपको नाम डी भी देना चाहें दे सकते हो, कोई मसला नहीं। और ये आपका 30 डिग्रीज का एंगल है। तो अब आखिरी वाला पार्ट करते हैं। उसमें ये है कि एक लेंथ 6.6 सेंटीमीटर है, एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, पांच के सामने 45 डिग्रीज का एंगल है। तो फिर ये मुझे नीचे लेनी पड़ेगी 6.6 वाली, ए बी लेट्स से के 5 सेंटीमीटर ये है, ये 45 डिग्रीज का एंगल आ गया।
तो ए बी 6.6 है, तो ये बी 6.6 सेंटीमीटर है, मुझे 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। ये देखिए, सिक्सटी, 120, अब 90 लगा रहा हूँ। अब इनका 90 वाला पॉइंट ढूंढे इस आर के ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया। अब 0 और 90 की तसनीफ करेंगे तो 45 का आ जाएगा। बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखा, तो ये देखें, ये एंगल आ गया आपके पास। अब मैं लाइन को लंबा करने लगा हूँ पुराने तजुर्बे की रोशनी में। सी सी नहीं, सॉरी, ओ कहता हूँ। अब मुझे 5 सेंटीमीटर की इधर लाइन लगानी है बी सी ढूंढने के लिए। तो बी पे रखा, इसने भी दो जगह पे कट किया, तो ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट सी डैश आ गया। सॉरी, आगे चली गई थोड़ी सी, नहीं जानी चाहिए। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप किस तरह ये दो ट्राइंगल इसमें भी बन गई। मैं ज़रा करीब करता हूँ, आप ज़रा तसली से देख सकें। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम टॉपिक 9.3 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।